एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल नर्सिंग, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिलते हैं आप वहाँ से कीजिए। इंग्लिश का मेजर पोर्शन आपका वोकैबुलरी से आना है, और इंग्लिश की वीडियोस मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आपको बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कराई जा सके। तो मैंने जो MNS के लिए पुरानी वीडियोस डाली हैं इंग्लिश की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें मैंने वोकैबुलरी या जो भी मेन टॉपिक्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और GK की वीडियोस तो मैं अभी आपके लिए और लेकर आऊँगी, करंट अफेयर्स पर, स्टैटिक GK पर। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और आते हैं इस वीडियो पर बच्चों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। MNS SSC 2023-2024 आपका 14th को एग्ज़ाम, फंडामेंटल नर्सिंग। क्वेश्चन 1, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनोस, बाइजेमिनल पल्स। तो कोलैप्सिंग पल्स को का दूसरा नाम बताना है। कोलैप्सिंग पल्स को कहते हैं वाटर हैमर पल्स, ठीक है, वाटर हैमर पल्स। वाटसन वाटर हैमर पल्स, ऑल्सो नोन एज कोरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स, इज अ मेडिकल इंडिकेशन सीन इन ऑर्टिक रिगरिटेशन दैट डिस्क्राइब अ पल्स दैट इज बाउंड एंड फोर्सफुल, रैपिडली इंक्रीजिंग एंड द लेटर इज कोलैप्सिंग एज इफ इट वर द साउंड ऑफ अ वाटर हैमर कॉजिंग द पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, ऑप्शंस आर 50 ml, 100 ml, 70 ml, 170 ml। तो एक हेल्दी पर्सन की स्ट्रोक वॉल्यूम बतानी है आपको। तो एक हेल्दी पर्सन की स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml, ठीक है, 70 ml याद रहेगा। द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रोक वॉल्यूम आपने 12th में भी पढ़ा है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड की वो वॉल्यूम जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होती है ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। हर सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जितना ब्लड जितनी ब्लड का वॉल्यूम आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है वो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शंस आर एज, वेट, हाइट, लेंथ। लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है। इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस में ड्रग की कैलकुलेशन किस बेसिस पे की जाती है? एज, वेट, हाइट एंड लेंथ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेट। ऑप्शन बी, वेट। ड्रग दैट कॉज एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आपको एक ऐसी मेडिसिन का नाम बताना है जो आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एक्सपल्शन ऑफ गैस, जो आपकी गैस गैस बन जाती है और गैस पास नहीं हो पाती, तो किस उस मेडिसिन का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आर एस्ट्रिंजेंट, कैरिमिनेटिव, कैथरेटिक्स, एमिनेटिक्स। तो ड्रग दैट कॉज एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज ऑप्शन बी, कैरिमिनेटिव। क्वेश्चन 5, अ गैलन इज इक्वल टू, अ गैलन इज इक्वल टू 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4000 ml, 1 gallon इज इक्वल टू 4000 ml। द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज डेल्टोइड साइट, डोर्सोग्लूटल साइट, वेंट्रोग्लूटल साइट, वेस्टस लेटरलिस साइट। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए सबसे प्रिफर्ड साइट बतानी है आपको, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेस्टस लेटरलिस साइट, वेस्टस लेटरलिस साइट। ऑप्शन डी, द वेस्टस लेटरलिस मसल इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द थाई, आपके थाई के लेटरल साइड पर। आपने देखा होगा बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके थाइस पे इंजेक्शंस लगते हैं, तो दिस मसल इज द लार्जेस्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप विच इंक्लूड रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस इंटरमीडस एंड वेस्टस मेडिलिस। तो बच्चों के
जो इंजेक्शंस होते हैं वो हमेशा थाई पर, ज्यादातर थाई पर लगाए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो लगेंगे वो थाइस पर लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंसोमनिया मींस वेरी इजी, इनएबिलिटी टू वॉक, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू ईट। तो इंसोमनिया आपको पता है ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू स्लीप। टर्म मेलेना मींस, टर्म मेलेना मींस ऑप्शन आर डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन, शुगर इन द यूरिन। तो टर्म मेलेना मींस है, आपको मेलेनिन पता है, मेलेनिन कवर्ड आपने 11th में पढ़ा है, पिगमेंटेशन से होता है। तो आपको डायरेक्ट आपको एक हिंट मिल जाती है मेलेना से, तो कुछ कलर से रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड। द एनेमा गिवन टू रिलीव गैशियस डिस्टेंशन इज, द एनेमा गिव रिलीव गैशियस डिस्टेंशन इज, कोल्ड एनेमा, एंटी हेलमेंथिक एनेमा, कैरिमिनेटिव एनेमा, परगेटिव एनेमा, ठीक है। तो एनेमा गिवन टू रिलीव गैशियस डिस्टेंशन इज, अब ये क्वेश्चन भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जब एक इंसान को पेट में गैस बन जाती है तो गैस को पास करना होता है, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैरिमिनेटिव एनेमा, कैरिमिनेटिव एनेमा। कैरिमिनेटिव एनेमा हेल्प टू एक्सपेल फ्लैटस फ्रॉम द रेक्टम एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैशियस डिस्टेंशन। फ्लैटस इज अ मेडिकल टर्म फॉर फार्ट, ठीक है। तो आपको जब गैस रिलीज करने के लिए कैरिमिनेटिव एनेमा दिया जाता है, जिससे आपकी जो पेट में गैस बनी है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपकी जो गैस बनी है वो रिलीज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज, एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन, डिफिकेशन। तो इनवॉलेंट्री, अगर वॉलेंट्री होता तो वो हम कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका यूरिना जो पास आउट हो जा रहा है बिना किसी कंट्रोल के, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन बच्चों इसका ए सही हो जाएगा, एन्यूरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू मेजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG इज यूज टू मेजर। ऑप्शन आर ब्लड काउंट, हार्ट बीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी। वेरी सिंपल, ECG इज यूज टू काउंट, यूज टू मेजर सॉरी योर हार्ट बीट। ECG इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज कोल्ड। आपके ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को क्या कहेंगे। ऑप्शन आर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, फॉस्फोराइलेशन, नन ऑफ द अबव। तो अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज नोन एज, ऑप्शन वन, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इज डिफाइंड एज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल आर टिपिकली बिटवीन 8.5 एंड 10.2 मिलीग्राम या डेसीलीटर। इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इज एन असेंशियल मिनरल क्रिटिकल फॉर सेवरल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में आपके कैल्शियम हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में आपका कैल्शियम हेल्प करता है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन एंड टीथ, आपके बोन्स और टीथ की कंस्ट्रक्शन में भी कैल्शियम हेल्प करता है। तो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो वो हाइपोकैल्शीमिया कंडीशन कहलाएगी। और नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल क्या कितने के बीच में होता है, 8.5 से 10.2 मिलीग्राम या डेसीलीटर के बीच में आपकी नॉर्मल वैल्यू की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, द लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट गोइंग फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी विल बी। तो जो लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होगा ऑपरेशन से पहले, और लास्ट प्रोसीजर जो अभी आपको नर्सेज जो है वो चेक करेंगी ऑपरेशन से पहले, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले और लास्ट जो चेकअप होगा, क्लाइंट गोइंग फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी विल बी।
अब स्प्लिनेक्टोमी क्या होता है? स्प्लिनेक्टोमी होता है ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपकी स्प्लिन को रिमूव किया जा रहा है, तो वो स्प्लिनेक्टोमी होगा। तो लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या होगा किसी क्लाइंट का जो मतलब अभी स्प्लिनेक्टोमी के लिए जा रहे हैं? तो ऑप्शंस आर नेम बैंड, साइन कंसेंट, एम्प्टी ब्लैडर, वाइटल साइंस। उस क्लाइंट का नेम बैंड चेक किया जाए कि उसको नेम बैंड पहनाया जाए, इस पर्सन का ये नाम है, उसका कंसेंट साइन करवाया जाए, एम्प्टी उसका ब्लैडर एम्प्टी कराया जाए, या वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आपको पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट, ये सब चेक करना है, ये आपके वाइटल साइंस होते हैं। तो जो लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वाइटल साइंस। स्प्लिनेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव योर स्प्लीन। द वर्ड प्री ऑपरेटिव रेफर टू द पीरियड फ्रॉम द पेशेंट एडमिशन अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसेस एंड फाइनली डिस्चार्ज विद हेल्दी टीचिंग। प्री ऑपरेटिव वर्ड से क्या रेफर करता है कि एक जो पेशेंट है वो एडमिट हुआ है, उसका सर्जिकल प्रोसेस चला है, फिर वो फाइनली जो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी प्रॉपर कंडीशन में, फिर उसे डिस्चार्ज जब किया जाता है, तो इस पूरे टाइम को प्री ऑपरेटिव कहा गया है। दैट इज इट कवर प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब प्री ऑपरेटिव हो गया, फिर इंट्रा ऑपरेटिव आपके ऑपरेशन के दौरान की केयर, एंड पोस्ट ऑपरेटिव आपके ऑपरेशन के बाद की केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज अ नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल एनिस्थीसिया। जब आप एक्स्ट्रा ड्यूरल एनिस्थीसिया देते टाइम एक नर्स को सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हाइपरटेंशन, ब्रेडिपिनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एनिस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो नर्स को किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है ऑप्शन 2, ब्रेडिपिनिया। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया ब्रेडिपिनिया। ब्रेडिपिनिया होता क्या है? ब्रेडिपिनिया और अ स्लोअर देन नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट। आपका नॉर्मल से कम, जो नॉर्मल लेवल से आपका कम रेस्पायरेटरी रेट होगा वो आपका ब्रेडिपिनिया कहलाता है। इज अ प्राइम कंसर्न टू द नर्स। वाइल एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया मोस्टली अफेक्ट सेंसेशन इन द लोअर बॉडी। जब आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जो मोस्टली क्या है आपके लोअर बॉडी के जो सेंसेशन है वो अफेक्ट करते हैं। इफ इट असेंड्स हायर इन द स्पाइनल कोड, अगर वो स्पाइनल कोड से के ऊपर ज्यादा हाई हो जाता है, इट कैन इम्पैक्ट द थोरेसिक नर्व। वो आपके थोरेसिक नर्व को इम्पैक्ट कर सकता है, लीडिंग टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। जिससे क्या होगा, आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया में मोस्टली लोअर बॉडी की सेंसेशन के लिए, सेंसेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, सुन करना जिसे कहते हैं। तो अगर वो थोड़ा ऊपर लगेगा और ज्यादा हाई लग जाएगा तो आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है वो इम्पेयर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो नर्सेस को क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले ब्रेडिपिनिया यानी कि स्लोअर देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। विच वाइटल साइन अल्ट्रेशन शुड द नर्स क्लोजली मॉनिटर एंड रिपोर्ट व्हेन पेशेंट इज रिसीविंग एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया। नर्स को कौन से जो वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करना होता है और रिपोर्ट करना होता है जब एक जो पेशेंट है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया रिसीव कर रहा है। टैकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपरटेंशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपोक्सीमिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया, दोनों सेम वर्ड है एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया। हाइपोक्सीमिया आर लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज अ कंडीशन दैट वॉरेंट इमीडिएट अटेंशन। जब भी आपका एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल, दोनों सेम वर्ड्स हैं, आपको आप रिसीव करते हो एनेस्थीसिया, तो हाइपोक्सीमिया कंडीशन क्या है कि आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो नॉर्मल से लो हो चुका है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। रिस्क विद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक्स्ट्राड्यूरल एनेस्थेटिक इफ एडमिनिस्ट्रेटर
एट हायर लेवल इन द स्पाइन, स्पाइन से स्पाइन में हायर लेवल पर एडमिनिस्टर किया गया है, दिया गया है, कैन डिप्रेस द फंक्शन ऑफ चेस्ट मसल एंड डायफ्राम एंड इम्पेयर द पेशेंट्स एबिलिटी टू ब्रीथ इफेक्टिवली। तो क्या होगा कि अगर आपके स्पाइन में हायर लेवल पर लगा दिया गया, आपका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको दिया गया है, तो आपके चेस्ट मसल की फंक्शन को, डायफ्राम को, उनको डिप्रेस कर सकता है, और जो पेशेंट की एबिलिटी है अच्छे से सांस लेने की, वो क्या है, इम्पेयर हो जाएगी, लीडिंग टू हाइपोक्सीमिया। अब वो सांस नहीं लेगा तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाएगा, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी उसके ब्लड में, तो ब्रैडीपिनिया क्या होगा, आपकी लोअर देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, और आपका हाइपोक्सीमिया क्या होगा, आपके ब्लड में नॉर्मल लेवल से कम ऑक्सीजन होना। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और ऑल्सो नोन एज, अगर आपको हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, आइडियोपैथिक इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल से अगर आपको कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो उसे कहेंगे ऑप्शन ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन। द नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन विच अ पर्सन कैन गेट फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर के बाद अगर उसे कोई इन्फेक्शन लगता है तो वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और अ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, तो हेंस ऑप्शन वन इज द करेक्ट। इन अ पेशेंट रिसीविंग एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीशिया व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीशिया जब एक पेशेंट रिसीव करता है तो नर्स को कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ में अपना हस्तक्षेप देना होगा, ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीमेटिक्स एज नीडेड, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। तो इसका ऑप्शन वन सही हो जाएगा कि उनको फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर का फ्रीक्वेंट असेसमेंट करते रहना होगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना होगा, तो ऑप्शन वन फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। नीड फॉर मॉनिटरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीशिया, फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज वाइटल, बहुत जरूरी है अगर उनका ब्लड पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो टाइम टाइम से चेक करते रहे। दिस टाइप ऑफ एनेस्थीशिया कैन अफेक्ट नर्व फाइबर दैट कंट्रोल वस्कुलर टोन एंड हैंस कैन लीड टू वैसोडाइलेशन रिजल्टिंग इन अ कंडीशन कॉल्ड हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। इस टाइप के एनेस्थीशिया में क्या होता है कि आपके नर्व फाइबर जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं जो कि आपकी वस्कुलर टोन को कंट्रोल करते हैं, और किस क्या हो जाएगा उससे वैसोडाइलेशन, जिससे क्या होगा आपका हाइपोटेंशन होने की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। इन ट्राइएज येल्लो कलर इंडिकेट इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, डेड। अब आपने नर्सिंग पढ़ी, आपको ट्राइएज भी पता होगा, तो ट्राइएज इज यूटिलाइज इन द हेल्थ केयर कम्युनिटी टू कैटेगराइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द इंजरीज एंड बाय एक्सटेंशन द ऑर्डर इन विच मल्टीपल पेशेंट रिक्वायर केयर एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो येल्लो कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मैं बताना भूल गई, येल्लो कलर इंडिकेट्स अर्जेंट, ठीक है, येल्लो कलर इंडिकेट अर्जेंट। अब ट्राइएज क्या है, ट्राइएज हेल्थ केयर कम्युनिटी में एक कैटेगरी डिसाइड की गई है कि उससे क्या पता चलता है कि पेशेंट की इंजरी के बेस पर कुछ कलर कोड्स बनाए गए हैं कि पेशेंट की इंजरी कितनी सेवर है और कितने टाइम तक उसे केयर की ज़रूरत है और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दिस एडवांस ट्राइएज सिस्टम इंक्लूड फोर कलर कोड सिस्टम, रेड, येल्लो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक, इंक्लूड फोर कलर कोड सिस्टम्स है, रेड, येल्लो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक, फाइव है बट यहाँ फोर लिखा गया है, फाइव कलर सिस्टम है। रेड, रेड से क्या पता चलेगा, इमरजेंसी, रेड कलर किस लिए यूज होगा, इमरजेंसी के लिए, यूज टू लेबल पीपल हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट बट हैव अ पोटेंशियल टू सर्वाइव। रेड टैग किसके लिए, इमरजेंसी, जिसमें कि पेशेंट जो अगर उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो सर्वाइव भी कर सकता है, तो उसको रेड टैग में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आता है येल्लो टैग अर्जेंट,
येलो कलर इज ऑफन यूज टू डेजिग्नेट द पेशेंट विद अर्जेंट कंडीशन. अर्जेंट कंडीशन से पेशेंट को डेजिग्नेट किया जाता है. दीज आर इंडिविजुअल हु रिक्वायर मेडिकल अटेंशन रिलेटिवली क्विकली बट देयर कंडीशन इज नॉट इमिडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग. उन्हें इमिडिएट मेडिकल अटेंशन की तो ज़रूरत है बट इतनी भी नहीं है क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. अगर थोड़ी सी देर हो भी जाती है तो उनकी कोई लाइफ पे बात नहीं बनेगी. समझ आया? नेक्स्ट है ग्रीन टैग. ग्रीन टैग इज फॉर वेट आर रिजर्व फॉर वॉकिंग इंजर्ड हु नीड मेडिकल केयर आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर मोर सेवर इंजरीज. वॉकिंग इंजर्ड जैसे अगर मतलब हु विल नीड मेडिकल केयर आफ्टर ट्रीटमेंट. आपका ट्रीट आपकी जो इंजरी थी उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद की जो मेडिकल केयर होती है उसकी नीड के लिए कि मतलब आप उसके बाद जो आपकी ट्रीटमेंट के बाद जो आपको केयर चाहिए उसके लिए आप उनको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? ग्रीन टैग कैटेगरी में. वाइट टैग डिसमिसल गिवन टू पीपल विद माइनर इंजरीज दैट डू नॉट रिक्वायर अ डॉक्टर केयर. वाइट टैग किसके लिए यूज हो रहा है? डिसमिसल के लिए. जिस मतलब जिस पेशेंट को डॉक्टर केयर की जरूरत ही नहीं है, बहुत माइनर सी इंजरी है जिसमें डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो वाइट टैग में कंसीडर किए जाएंगे. अब नेक्स्ट आता है ब्लैक टैग. एंटीसिपेटरी इज यूज्ड फॉर डिसीज्ड और दोज हुज इंजरीज आर सो एक्सटेंसिव दैट दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द केयर अवेलेबल. तो ब्लैक टैग किसके लिए यूज होगा? या तो जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर ऐसे जिनकी जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उन्हें केयर भी प्रोवाइड की गई हो फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये आपको सारे टैग्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन अ न्यू बोर्न. मेटाबॉलिक एसिडोसिस न्यू बोर्न में करेक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? रिंगर लैक्टेट, एड्रेनलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सेलाइन. तो न्यूबॉर्न बेबीज में टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो मेडिसिन यूज होती है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट इज एन एबनॉर्मल प्राइमरी प्रोसेस और कंडीशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन फिक्स्ड एसिड इन द ब्लड. दिस कॉज द आर्टेरियल प्लाज्मा बाइकार्बोनेट टू फॉल टू अ लोअर लेवल देन एक्सपेक्टेड. सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन अ न्यूबॉर्न. क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड. सबसे इनिशियल केयर क्या होनी चाहिए जब केमिकल बर्न सस्पेक्ट होगा? केमिकल मतलब बर्न मतलब किसी केमिकल के थ्रू आपका जो है हाथ जल गया है, कहीं पे भी आप जल चुके हो केमिकल बर्न से, तो उसमें इमीडिएट केयर क्या होगी? इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, रिमूव ऑल द ड्रेसिंग, प्रोवाइड द काम इन्वायरमेंट, एक्सेसिव फ्लशिंग विद वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स. एक्सेसिव फ्लशिंग मतलब आपको पानी के नीचे अपना हाथ बॉडी जहाँ जो भी एरिया आपका बर्न हुआ है 20 to 30 मिनट तक आपको उसके ऊपर पानी ही चलाते रहना है. तो ऑप्शन 4th ही सही होगा इसका. एक्सेसिव फ्लशिंग विद वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स. केमिकल बर्न कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू अ कोरोसिव केमिकल. समझ आया? कंसंट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन कॉज केमिकल बर्न. आपने केमिकल्स से मतलब लैब में जब आप काम करते हैं तो उससे केमिकल से हाथ जलना बहुत कॉमन सी चीज होती है, तो उसके लिए इमीडिएट मेडिकल केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बर्न. उसे इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत होती है जिससे आपका जो बर्न का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर. पल्स ऑक्सीमीटर से कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हो पाती? पल्स ऑक्सीजन, ECG चेंज, SpO2. तो ईजी है, पल्स ऑक्सीमीटर से कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हो पाती? ऑप्शन 3 ECG चेंज याद रहेगा. ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑफ योर ब्लड. इट कैन रैपिडली डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंज इन ऑक्सीजन लेवल. पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल SpO2. ठीक है. 1 ounce मिल्क गिव. 1 ounce मिल्क कितना कैलरीज देगा? 30 से 40 कैलरीज, 35 से 45 कैलरीज, 80 से 20 कैलरीज, 37 से 50 कैलरीज. तो 1 ounce मिल्क गिव
18 से 20 कैलोरीज, ठीक है। 1 ounce ऑफ अ काओ मिल्क विद 3.25% फैट प्रोवाइड 17 कैलोरीज। तो एक एक आउंस काओ का मिल्क जो है, जिसकी के अंदर 3.25% फैट है, वो 17 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो ये 18 से 20 के आसपास का है, इसलिए 18 से 20 कैलोरीज इसका आंसर होगा। हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर? कोल्ड मिल्क पीने के बाद एक नर्स को कितने टाइम तक वेट करना चाहिए रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए? 5 to 10 मिनट, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 मिनट्स। तो ऑप्शन थ्री 20 to 30 मिनट्स, ऑप्शन थ्री 20 to 30 मिनट्स। नर्स शुड वेट फॉर 20 to 30 मिनट बिफोर यू टेक अ टेम्परेचर बाय माउथ टू नॉर्मलाइज द बॉडी टेम्परेचर एंड टू प्रिवेंट द रॉन्ग रिजल्ट। वेन द पेशेंट ड्रिंक सम कोल्ड ड्रिंक देर आर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बकल कैविटी। कोल्ड ड्रिंक टेक डाउन टेम्परेचर टू एन एक्सटेंट दैट फॉल्स रीडिंग ऑन थर्मामीटर इज एविडेंट। दिस ग्रेटली अफेक्ट ऑन हेल्थ रिकॉर्ड। तो अगर एक कोई पेशेंट ठंडा दूध या कोल्ड ड्रिंक, कोई कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो जो है इमिडिएट जो आपका बकल कैविटी का जो टेम्परेचर है, उसे एकदम से बहुत ज़्यादा गिरा देता है। तो अगर आप उस टाइम पर टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, फॉल्स एविडेंट आएंगे, फॉल्स रीडिंग आएगी, जिससे आपकी हेल्थ रिकॉर्ड भी गलत तरीके से अफेक्ट होगी। तो इसलिए एक नर्स को कितने मिनट तक वेट करना चाहिए, 20 to 30 मिनट्स तक। द फिफ्थ वाइटल साइन इज, फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? मीन आर्टेरियल प्रेशर, ABG एनालिसिस, SaO2, सॉरी पेन। तो फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो आपका ऑप्शन फोर पेन है। पेन इज कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ वाइटल साइन। द फोर वाइटल साइंस आर टेम्परेचर चेक होता है आपका, आपका रेस्पिरेशन चेक होता है आपका, ब्लड प्रेशर चेक होता है आपका, हार्ट रेट या पल्स रेट चेक होता है। तो ये फोर वाइटल साइंस तो ये हैं, और फिफ्थ वाइटल साइन जो है आपका पेन है, ठीक है। क्वेश्चन 25, सुटेबल पोजिशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल पोजिशन बतानी है। प्रॉन पोजिशन, लिथोटॉमी पोजिशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजिशन, सिम्स पोजिशन। अब रेक्टल एग्जामिनेशन आप समझ रहे होंगे कि किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, आपके लोअर बॉडी लोअर एरिया का एग्जामिनेशन होगा, तो रेक्टल एग्जामिनेशन। सिम ऑप्शन इसका फोर्थ सही हो जाएगा, सिम्स पोजिशन, ठीक है, सिम्स पोजिशन। रेक्टल एग्जामिनेशन इज अ डायग्नोस्टिक मेथड यूज टू इंस्पेक्ट। अब किस चीज के इंस्पेक्ट करने के लिए यूज होता है रेक्टल एग्जामिनेशन? डिसऑर्डर ऑफ लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल GI ट्रैक्ट, प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर लाइक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, एक्टिव अनएक्सप्लेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीड, एग्जामिनिंग वुमेन फॉर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, ठीक है। इन चीजों के लिए रेक्टल एग्जामिनेशन मेथड यूज किया जाता है। इन सिम्स पोजिशन द पर्सन विल बी प्लेस्ड इन साइड लाइन पोजिशन विद 1 leg फ्लेक्स्ड, बिकॉज ऑफ विच द एनस इज क्लियरली विजुअलाइज एंड कैन फैसिलेट द एनस रिलेटेड प्रोसीजर। सिम्स पोजिशन में एक पर्सन को साइड लाइन पोजिशन में लिटाया जाएगा, जिसमें उसका एक पैर जो है वो फ्लेक्स्ड किया जाएगा, जिससे आपका एनस क्लियरली विजुअलाइज होगा और आप एनल रिलेटेड प्रोसीजर जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सिम्स पोजिशन नेम्ड आफ्टर द गायनेकोलॉजिस्ट जे मैरियन सिम्स। अब सिम्स पोजिशन का नाम किसके बाद मिला है? गायनेकोलॉजिस्ट थे जे मैरियन सिम्स, ठीक है, इनके नाम के ऊपर सिम्स पोजिशन रखा गया है नाम। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।